खबर का असर, सीसीएल महकमे में हड़कंप। मृतक गुरुचंद मांझी के पुत्र विकास मुर्मू को दिया गया नियुक्ति पत्र। रामगढ़ जिला के सीमावर्ती क्षेत्र चरही एरिया के सीसीएल केदला उत्खनन परियोजना में कार्यरत गुरुचंद मांझी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मामला परियोजना कार्यालय तक पहुंचा। आकर्षित ग्रामीणों एवं परिजन द्वारा डेड बॉडी के साथ परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए थे और नौकरी एवं मुआवजे की मांग कर रहे थे। आज संडे होने के कारण कार्यालय बंद था। खबर 365 न्यूज में खबर चलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गई। विभिन्न ट्रेड यूनियन के अधिकारियों ने प्रबंधन पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके बाद शाम 6 बजे सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके त्रिवेदी द्वारा मृतक के पुत्र विकास मुर्मू को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया गया और सभी लोगों ने गुरुचंद की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया। कल से विकास मुर्मू केदला उत्खनन परियोजना में ही ज्वाइनिंग करेंगे। इसके बाद घाटों के ओपी प्रभारी सदानंद कुमार द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया गया। केदला 9 नंबर से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। मांझी जो थे उनकी देहांत हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद इनके पुत्र को प्रोविजनल हम लोग नौकरी दिए हैं, जो कि उनको अभी दिया गया नियुक्ति पत्र दिया गया जीएम साहब के द्वारा साइन किया हुआ। उसके बाद ये जो भी कागजात है आवश्यक कागजात जमा करेंगे, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया और चालू रहेगी। इनका जितना देय राशि रहेगा वो सब जल्द से जल्द इनको दिया जाएगा। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार त्रिवेदी है, प्रोजेक्ट ऑफिसर जिला ओसीपी। आज हम लोग केदला परियोजना के दफ्तर के बाहर में हैं, चूँकि गुरुचंद मांझी जी का कल सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रबंधन के टीम आके उनको नियुक्ति पत्र दिए। हम लोग सुबह से यहाँ धरना के रूप में बैठे हुए थे और अभी जस्ट हम लोग उनका पुत्र को विकास मुर्मू को हम लोग अभी नियुक्ति पत्र मैनेजमेंट और पूरे हम लोग जो सुबह से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हम लोग लोगों ने उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया। विजय किस्कु हुआ और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।